सोचता है बाबू क्यों दिखाए सपने तू सोते जागे जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद कैसे मैं चल देख ना सकूं अनजाने रास्ते मुझे ऐसा लगा मेरा बचपन वापस इतना अच्छी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी और जो ये लोग कोर्स कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और जिस तरीके से मीडिया का पार्ट हर जगह पर बढ़ता जा रहा है तो मैं उन लोगों के लिए हमेशा बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी तरीके से ये लोग ग्रूम हो रहे हैं स्पेशली केसी कॉलेज में उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है इतने अच्छे टीचर्स हैं इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं दे शुड डू देयर बेस्ट और दे विल फाइंड वो उनको भी मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद जब पहुंचेंगे तो अर्नब की तरह हमें बहुत सारे अर्नब मिलेंगे सिंगर की बात करें मैं बैचलर ऑफ मास मीडिया और एक सिंगर जी इन दोनों में कितना डिफरेंट होता है और कितना बहुत डिफरेंस होता है दोनों फील्ड बहुत अलग हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हो गई हैं आजकल बल्कि कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अब आकर के ये BMM करना चाहिए बल्कि मेरे जो बेटे हैं छोटे बेटे वो कर रहे हैं BMM तो मैं उससे ये बोलती हूँ कि ये मुझे म्यूज़िक छोड़ के मुझे ये करना चाहिए था कि बिकॉज़ ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया है मीडिया का क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं मासेस तक पहुँच पाती है जब तक हम कन्वे नहीं कर पाते हैं इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज एंड इम्पॉर्टेंट रोल आपके संगीत के बारे में बात करें आप बॉलीवुड में हम सूफी गानों में हर एक तो पहलू में आपने बहुत रिसेंटली मेरी एल्बम रिलीज हुई है ट्रांस विद खुसरो बहुत बेहतरीन उसमें मेरे छोटे बेटे कनिष्क ने पूरा म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है और उसके एक से एक बेहतरीन गाने हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि उसको ज़रूर सुने और अपना फीडबैक दें ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को डू शेयर योर